हाय फ्रेंड्स आपण मानको आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत फ्रेंड्स आसंतु जानिबा आजिरो किछि बड़ ओ गुरुत्वपूर्ण अनुचिंता विषय रे फ्रेंड्स विवाह हेउछि आठ प्रकार जथा ब्रह्म वैद्य आश्र प्रजापत्य आसुर गांधर्व्य राक्षस ओ पैसाच फ्रेंड्स ब्रह्म दैव्य आश्र प्रजापत्य एहि चारि प्रकार विवाह शास्त्र सम्मत होइथाए फ्रेंड्स बरठारु धन नहीं ताकु जदि कन्या विवाह करे तेबे एहाकु आसुर विवाह कुहा जाए फ्रेंड्स जदि निज इच्छा रे बर ओ कन्या दुहे विवाह करंती तेबे ताकु गांधर्व्य विवाह कुहा जाय थाए कन्यार पिता ठारु कन्या को छड़ाई आनी विवाह कले ताकु राक्षस विवाह बोली कुहा जाय थाए कपट करी कन्या को भुलाई विवाह कले ताकु पैसाच विवाह कुहा जाए बरकु निज घर को निमंत्रण करियाणी यथाशक्ति कन्या को अलंकृत करी विवाह कले तांकठारु उत्पन्न पुत्र उभय कुलर 21 पुरुष उद्धार करिथाए फ्रेंड्स बातुल पतित कुष्ठरोगी नपुसक निज गोत्र रे जात अंध बधिर अपस्कार रोगी को कन्या देबा अनुचित होइथाए फ्रेंड्स मन रखंतु बरर कुल स्वभाव वयस रूप विद्या धन और पित्रादीर सहायता गुण परीक्षा करी ही कन्यादान करंतु एहा शास्त्र सम्मत उचित होइथाए फ्रेंड्स जेउ पुरुषर स्कंद और ग्रीवा सुदृढ़ होइथिबो शुक्र गाढ़ होइथिबो मूत्र शब्द और फेणयुक्त होइथिबो ताकु उत्तम लक्षणयुक्त पुरुष कुहा जाइथाए बर मातार नाम सहित जदि कन्यार नाम समान हुए तेबे विवाह हेबा अनुचित होइथाए एहा दोषावह होइथाए फ्रेंड्स जेउ कन्या लज्जाहीन स्वभाव उग्र दांत असुंदर आखि पिंगल वर्ण सर्वांग लोमयुक्त ओ कटी स्थूल एहिपरि कन्या को केबे भी विवाह करंतु नाही एही कन्या विवाह योग्य होइनथाए जेऊ कन्या श्यामा जहार केश उत्तम देह अल्पलोमयुक्त भ्रूलता सुंदर चरित्र उत्कृष्ट गमन मनोहर दांत सुंदर कटी डम्बरुतुल्य एमाने विवाह योग्य अटंती फ्रेंड्स समान प्रकार जात कन्या शिष्यर संतंती गुरुर संतंती एमानक सहित विवाह निषिद्ध अटे फ्रेंड्स मने रखंतु बड़ भाई विवाह न होइथिले सान भाई केबे भी विवाह करंतु नाही नचेत एहा सेमानंकु पतित कराइथाए फ्रेंड्स जदि बड़ भाई विदेश रे रहिथांती अति रोगी होइथांती शारीरिक अक्षम किंबा चोर होइथांती तेबे सान भाई विवाह करिपारिबे बड़ भौणी थाऊ थाऊ सान भौणीर विवाह शास्त्र रे निषिद्ध अटे एका वर्षरे दुई भाई किंबा दुई भौणी विवाह करिबा अनुचित होइथाए 6 मास मध्यरे विवाह कले कन्या 3 वर्षरे विधवा होइथाए फ्रेंड्स मामूर झियो मातृकुलरे जात होइथिबा कन्या ओ समान प्रबररे जन्मित कन्या सहित विवाह निषिद्ध अटे भिन्न भिन्न माता ठारु जात होइथिबा संतान एक दिनरे एका मंडपरे विवाह करि पारिबे फ्रेंड्स जाला दुई भाई किंबा दुई भौणी एका वर्ष किंबा एका दिन रे विवाह करी पारिबे विवाह चालुथिबा समय रे औसच घटिले कर्म बंद करिबा उचित होई नथाए फ्रेंड्स विवाह आरंभ रु जदि औसच घटे तेबे कर्म बंद हेबा उचित फ्रेंड्स मने रखंतु जदि विवाह समय रे कन्या ऋतुमती हुए तेबे ताकु स्नान कराई संस्कार करी विवाह कराइबा उचित अटे विवाह समय रे जदि बर किंबा कन्यार माता रोजशाला होइथांती तेबे से समय रे विवाह कर्म हुए नाही शुद्धि हेबा पोरे ही विवाह कर्म होइथाए फ्रेंड्स कन्यादान दीपदान अन्नदान आश्रयदान एवं अभयदान रात्र काल रे करागले अशुभ होइ नथाए ज्येष्ठ मास रे ज्येष्ठ पुत्र किंबा ज्येष्ठ कन्यार विवाह शास्त्र सम्मत निषिद्ध अटे माघ फाल्गुन वैशाख मार्गशीर ज्येष्ठ ओ आषाढ़ मासरे विवाह कले कन्या सौभाग्यवती ओ धनधान्यवती होइथाए चैत्र श्रावण भाद्रव आशिन्य
କାର୍ତ୍ତିକ ପୌଷ ମାସରେ ବିବାହ କଲେ କନ୍ୟା ଅତିଶୀଘ୍ର ବିଧବା ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜନ୍ମ ମାସ, ଜନ୍ମ ଦିବସ ଓ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବର ଓ କନ୍ୟାର ବିବାହ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତିରେ ବିବାହ କଲେ କନ୍ୟାର ସନ୍ତାନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜନ୍ମ ଏକାଦଶୀରେ ବିବାହ କଲେ କନ୍ୟା ବହୁ ଧନବତୀ ହୋଇଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା, ପୌଷ ଓ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବର୍ଷା ଓ ଶରତ ଋତୁରେ ମାସାନ୍ତରେ ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିବାହ ନିଷେଧ ଅଟେ। କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରବି ଥାଇ ବିବାହ କଲେ କନ୍ୟା ଅତିଶୀଘ୍ର ବିଧବା ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟାର ଅଷ୍ଟମ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ନବମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିବାହ କଲେ କନ୍ୟା ବିଧବା ହୁଏ ଓ ଦୁଃଖ ଓ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଓ ସୋମବାର ଦିନ ବିବାହ କଲେ କନ୍ୟା ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଏ। ମଘା ଓ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆଦ୍ୟପାଦ ଏବଂ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ବିବାହ କଲେ ପ୍ରାଣନାଶ ହୁଏ। ମେଷ ସହିତ କନ୍ୟା, ତୁଳା ସହିତ ମୀନ, ମିଥୁନ ସହିତ ବୃଶ୍ଚିକ, ମକର ସହିତ ସିଂହ, କୁମ୍ଭ ସହିତ କର୍କଟ, ବୃଷ ସହିତ ଧନୁ ବିବାହ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ହୁଏ। ସିଂହ ସହିତ ମୀନ, ତୁଳା ସହିତ ବୃଷ, କୁମ୍ଭ ସହିତ କନ୍ୟା, ମିଥୁନ ସହିତ ମକର, ମେଷ ସହିତ ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶି ବିବାହ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଧନୁ ସହିତ ବୃଶ୍ଚିକ, କୁମ୍ଭ ସହିତ ମକର, ମେଷ ସହିତ ମୀନ, ସିଂହ ସହିତ କର୍କଟ, ମିଥୁନ ସହିତ ବୃଷ ଓ ତୁଳା ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବିବାହ କଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବର ଓ କନ୍ୟା ଏକ ରାଶି ହେଲେ ସମସପକ୍ତ ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଓ ଦଶମ ହେଲେ ତୃତୀୟ ଓ ଏକାଦଶ ରାଶି ହେଲେ ଏହାକୁ ରାଜଯୋଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଜଯୋଟକରେ ବିବାହ କଲେ ବହୁତ ହି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ରାଜଯୋଟକ ହୋଇଥିଲେ ଆରିଦୋଷ, ତାରଦୋଷ, ନରରାକ୍ଷସ ଆଦି ଦୋଷ, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ଓ ବର୍ଣ୍ଣଦୋଷ ଧରାଯାଇନଥାଏ। ଏକ ରାଶି ଥିବ କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଭିନ୍ନ ଥିବ ତେବେ ଏହାକୁ ରାଜଯୋଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିସବୁ ବିବାହ ତଥ୍ୟ ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଡ଼ ଅନୁଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।